दोस्तों, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी पंजाब में स्थित है और पंजाब में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रही है। पिछले लगभग 6 सालों से एडमिशन्स ले रही है और अपनी सेवाएं एजुकेशन के फील्ड में दे रही है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं हमारी वीडियोस के माध्यम से। आज उन सभी टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे कि सिटी यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या तो अप्रूवल्स है, कौन कौन से कोर्सेज चलाती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं, पंजाब की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिन पर हमने वीडियोस बनाई है और आपको बताया है कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, कैसे आप कंपेयर करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सिटी से। सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिटेल अगर हम इसकी देखें तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 2016 में यूनिवर्सिटी बनी है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अर्बन एरिया में यूनिवर्सिटी चलती है। दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पर अगर हम नजर डालें, सबसे पहले आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं प्राइवेट, उन सभी को एआईसीटीई के अप्रूवल की जरूरत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस को मेन जरूरत होती है। अगर यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल एआईसीटीई नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट वैकेंसीज में अक्सर पूछ लेते हैं कि एआईसीटीई अप्रूव्ड से आपने किया या नहीं, ये आप जरूर देख लेना। स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन, ये भी कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एमबीए आप कर सकते हैं यहाँ से। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन में जो आप करते हैं बीपीएड भी एक कोर्स होता है, इस तरह एक कोर्स कर सकते हैं, डीपीएड कोर्स आप कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इन सब कोर्सेज को कराने के लिए एनसीटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। एनसीटी पर डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं एनसीटी कैसे काम करता है। साथ में ही स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एयरलाइंस एंड टूरिज्म, दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, पर एयरलाइंस के कोर्सेज इजीली यूनिवर्सिटीज नहीं कराती। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एविएशन से रिलेटेड कोर्स है तो अच्छा कोर्स होगा, आपको पर विजिट करे बिना एडमिशन नहीं लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लेना चाहिए। साथ में ही स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मतलब यूनिवर्सिटी के पास फार्मास्यूटिकल साइंसेज डिप्लोमा, जिसको हम बोलते हैं डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, और जैसा मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी के पास फार्मा डी भी आ चुका है, उसके अप्रूवल कॉपी आप यूनिवर्सिटी से मांग सकते हैं, आपका अधिकार है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से, आपको सिर्फ एजुकेशन लेने का नहीं, एक क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार है। दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन ले, डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। क्यों? जितनी भी डिग्री आपके पास है सिर्फ आपकी फीस की रसीद भर है, जब तक आप नॉलेजवान नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं जानते। अगला कोर्स आता है स्कूल ऑफ हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास है। साथ में ही है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि बी एस सी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉ, मतलब आप LLB कर सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे लॉ को रिलेटेड कोर्स होता है, या फिर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, साथ में फार्मास्यूटिकल की बात करूं, इन सभी के लिए दोस्तों अलग से काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसको UGC से जितने भी कोर्सेज मिलते हैं, मतलब कि जितने भी कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर PhD होता है, इनको यूनिवर्सिटी बिना किसी दूसरे अप्रूवल के करा सकती है। बिल्कुल इनको मान्यता प्राप्त होती है, पर जितने भी काउंसलिंग कोर्सेज हैं वो बिना काउंसिल से मान्यता लिए कोई यूनिवर्सिटी करा नहीं सकती। अगर कोई यूनिवर्सिटी लॉ करवा रही है तो उसके पास BCI का अप्रूवल होना जरूरी है। यूनिवर्सिटी फार्मास्यूटिकल कोर्सेज करवाती है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी या फार्माडी करवाती है, और उसके पास PCI फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ना करें, लेटर मांगे, ये आपका अधिकार है। और काउंसलिंग कोर्सेज को कराने से पहले यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन भी होती है। हालांकि मैंने जैसे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि NAC क्या होता है, NAC एक्रेडिटेशन उन्हीं यूनिवर्सिटीज को मिलता है, कम से कम 5 साल हो गए हैं, और यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता कैसी है ये चेक करने के लिए आती है NAC की टीम, और फिर वहाँ रैंक मिलती है उन्हें, किसी को A+, किसी को A++, किसी को B, डिपेंड करता है ग्रेड वाइज। NAC पर एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देखेंगे तो NAC कैसे काम करता है आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो कुछ कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती है, साथ में जो अप्रूवल्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो अप्रूवल्स आपको जरूर देख लेना चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन तो आप ले लें, बाद में कोई प्रॉब्लम हो, यूनिवर्सिटी विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी विजिट करें और हम आपको बताएं कि दिल्ली से आप यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें एडवाइस करें, सजेस्ट करें, और साथ में हम ये भी बताएं कि यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डिटेल्स आप चाहते हैं।
जैसे ही हमारे पास यूनिवर्सिटी का 2023 का या फिर 22 का प्रोस्पेक्टस अगर आता है तो उस प्रोस्पेक्टस के साथ में हम एक वीडियो आपके लेकर जरूर आएंगे। हो सकता है ऐसी कई सारी बातें जो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं पर आपको पता नहीं। हमने बहुत सारी वीडियोस अपने इस चैनल पर फ्री एजुकेशन की भी बनाई है। हिंदुस्तान में बहुत जगह आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जरूरी नहीं किसी एक वीडियो देखकर आप उसमें एडमिशन ले लें। आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए और यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमने एक रिव्यू दिया आपको, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या बोलती है, अदर अप्रूवल्स क्या बोलते हैं। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसके आसपास की यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी को कंपेयर जरूर करें, फीस कंपेयर करें, कैंपस कंपेयर करें और देखें स्टूडेंट्स का क्या कहना है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, तभी एडमिशन लें। और आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से, आप उसमें हमारी मदद भी ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर डालें कि इस यूनिवर्सिटी के साथ आप किसे कंपेयर करेंगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, हम आपकी उसमें मदद जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में ही अपने दोस्तों परिजन परिवार को हमारी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को नॉलेजफुल बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।